أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم طهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنا مع العسر يسرا وإنا مع العسر يسرا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ صلوات بلند آواز سے محمد و آل محمد حاجات کی قبولیت کے لیے مجلس عزب کی قبولیت اپنی معرفت میں اضافہ بیماروں کی شفا یابی مرحومین کے مدنی درجات اور ظہور حضرت حجت میں تعجیل کے لیے صلوات بلند آواز سے محمد و آل محمد کا کوشش فرمائے سبھی حضرات مل کے صلوات بلند آواز سے بھیجے محمد آل محمد عزیزان گرامی قدر واجب الاحترام سامع حضرات سلسلہ سخن کی رسالت و ولایت کے عنوان سے ساتویں گفتگو سماعتوں کے لیے ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. کل کی گفتگو اس منظر تک پہنچی کہ رب العالمین نے رحمت للعالمین کو اس کی مملکت کی حدود دکھانے کے لیے ایک ایسی منظر تک بلایا کہ جہاں محمد سے پہلے کوئی عبد نہ پہنچ سکا. ارشاد ہوا سبحان الذی اسرا بعبده سبحان ہے وہ جو لے گیا اپنے عبد کو. عبد نے نہیں کہا میں گیا، حالانکہ اگر رسول اللہ فرماتے میں گیا تو کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن نبی نے نہیں کہا میں گیا، اللہ فرما رہا میں لے گیا. لہذا اب کوئی معراج پہ اعتراض کرنے سے پہلے سوچے کہ یہ نبی کے جانے پہ سوال نہیں ہے، لے جانے والے کی قدرت پہ سوال ہے. اور فرما رہے جی سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا. سبحان ہے وہ، لائق تسبیح ہے وہ،
रात के एक पहर में ले गया अपने अब्द को मस्जिद अल हराम यानी काबतुल्ला से मस्जिद अक्सा तक ले गया। अल्लजी बारकना हौलहू कि इस पूरे सफर में बरकतों ने, रहमतों ने, अजमतों ने, कमालात ने, जलालत ने, बुजुर्गी ने, शर्फ ने मोहम्मद के गिर तवाफ करना शुरू किया। कितने लोगों में समाते मेरे साथ नवे सफर है साहिबान, अल्लरी बारकना हौलहू उसके गिरदा गिर्द बरकतें ही बरकतें थी, रहमतें ही रहमतें थी, अजमतें ही अजमतें थी। ले क्यों गया, ले नुरे यहू मिन आयातना ताकि वो अल्लाह इस मुस्तफा को अपनी जात की वो आयतें दिखाए कि जिन आयात के बलबोते पर दुनिया रब को रब मानेगी। आप पहुंचिए वाला तक, ये है मकसद मेरा। अब यदि आली में नुकता महफूज रखिए रिजो, इसमें राज के अंदर बहुत सारे गुणवानात हैं, मगर मुझे चूंकि बात को नतीजे तक लेके जाना है तो सारे गुणवानात को यहां छेड़ नहीं सकता। इसी मेराज के अंदर सरकार मुस्तफा की विलायत का मकाम अल्लाह ने वाजे किया और फरमाएंगे 18,000 आलम मुस्तफा को एक रात में दिखाया गया। मैं पता नहीं क्या गुजारिश कर रहा हूं, 18,000 आलम सरकार वो जो फरमाएंगे जरा 18,000 आलम एक रात में सरकार को दिखाया गया। अब जेन में रखिएगा, कोई नबी एक आलम का नबी है, कोई दो आलम का नबी है, कोई एक शहर का नबी है, कोई एक ममलिकत का नबी है, कोई एक सल्तनत का नबी है, कोई एक करिए का नबी है। तो जिसे अल्लाह ने एक शहर का नबी बनाया, कभी किसी मौलवी में जरूरत नहीं हुई कि वो कहे कि आदम मुझ जैसा मैं आदम जैसा, कभी किसी में जरूरत नहीं हुई कि कोई ये कहे कि मैं नू जैसा नू मुझ जैसा। लेकिन जिसे अल्लाह ने आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा, कि अभी आलमीन की भी वजाहत नहीं कर रहा हूं, तो 18,000 आदम मुस्तफा को एक शब में दिखाया गया। अब बढ़ाऊ बात थोड़ी सी, आगे हैरान तो नहीं हो जाएंगे। 18,000 आलम गर्मी है मगर इश्के अली की गर्मी से ज्यादा नहीं है। हाँ, इश्क की गर्मी को महसूस कीजिए, मौसम की गर्मी को महसूस ना कीजिए। आप मौसम की हिद्दत खराबी को बाले ताक रखते हुए अपनी नमाज इश्क को अदा कर रहे हैं। और यही ये सफे अदा दुश्मना ने अदादारी को पैगाम दे रही है कि जो मौसमों के तगैर और तबद्दुल की वजह से अपने रुख को मोड़ दे उसे हुसैनी नहीं कहते। जो मौसमों से मुकाबला करके इश्क हुसैन में मचलने लगे उन्हें हुसैनी कहा जाता है। 18,000 आलम प्रोफेसर साहब कितना अल्लाह ने एक शब्द में दिखाया। अब दो आलमों में मंजर क्या है, एक है हद्दे इमकान, एक है आलम इमकान, एक है आलम नूर। मुस्तफा का सफर शुरू हुआ आलम इमकान से, मुस्तफा पहुंचे कहां पर, आलम नूर में। तो रखिएगा ये फलसफी बहस है, घबराना जाइएगा। आलम इमकान यानी दुनिया, यह है आलम मुमकिनात। सरकार शबे मेराज आलम मुमकिनात की हदों को तोड़कर आलम नूर के मकी बने, या जो मैं बदल अर्श का मकी दोबारा फिर अपने घर को देखने के लिए अर्श तक पहुंचा। हदों को तोड़कर मुस्तफा आलम नूर में पहुंचे तो उन्हें फरमाई, अब मंजर क्या है, इधर आलम इमकान है जहां से सफर शुरू हुआ, इधर से सफर शुरू हुआ, मुस्तफा ने इस आलम की नब्जों को रोक दिया। देखा ना मेरे यही कर गया, आलम इमकान की रफ्तार को मुस्तफा ने रोक।
हिलती रही, पानी चलता रहा, और कीजिएगा कुंडी हिलती रही, पानी वजू का चलता रहा, बिस्तर की गर्मी अपने मकाम पर बाकी रही, उधर आलम नूर में वक्त बढ़ता रहा, एक आलम के बाद दूसरा आलम, दूसरे के बाद तीसरा आलम, तीसरे के बाद चौथा आलम, हत्ता के मुस्तफा परते वहदत के करीब खुदा से मुआहदे करने के बाद जब वापिस आया तो बिस्तर उसी तरह गर्म था। इसी को विलायत मुतलका कहते हैं कि वली जब चाहे वो इधर से वक्त को रोक दे, उधर से वक्त को बढ़ने दे। विलायत मुतलका इसी को कहते हैं कि वली जब चाहे वो आलम इंकार के वक्त को रोक ले, इधर से जमाने को बढ़ने ना दे, उधर से जमाने को रुकने ना दे। अब समझ आया कि हम क्यों कहते हैं अस्सलामु अलैका या साहिब अल असर व सलाम, ऐ जमाने के साहिब हमारा तुझ पे सलाम हो। यानी 1300 साल से मोहम्मद का बेटा पर्दे खैबत में बैठा है, लेकिन जब आएगा तो रवायतें कहती 40 साल का जवान आएगा। आप अजीब बातें करके 18,000 आलम को देखा,
कुंडी भी हिल रही थी, पानी भी चल रहा था, बिस्तर भी गर्म था, कभी ऐसा भी हो सकता। सरकार खामोश हो गई। उसने नबी का खुतबा रोका, हुजूर मस्जिद से निकला, मदीने की गली के चौक में आया, वहां पे मछली फरोश मछली बेच रहा था, उसने मछली को खरीदा, घर पहुंचा, बीवी से कहते कि मछली बना, बीवी ने कहा पानी नहीं है, कहा चलो तुम मछली बनाओ मैं पानी लाता, बाल्टी उठाई गया, घड़ा उठाया, दरिया पे पहुंचा, दरिया पे पानी भरा, दिल किया के नहाऊं, नहाने के लिए गोता लगाया, जब निकला शहर अपना नहीं था, थकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, अभी तो थकेंगे नहीं। जब उसने गोता लगा के प्रोफेसर साहब जब गोता लगा के निकला किनारा कोई और, मुमलिकत कोई और, तवज्जो, जब गोता लगाया था तो मर्द था, जब निकला तो औरत थी। जब निकला तो औरत थी, बाहर निकला लिबास लिए जंगल में गया तो किसी ने देखा, उसने मैं भी अकेला तुम भी अकेली, चलो निकाह करते। निकाह हुआ, 3 से 4 साल उसकी सौजिकत में रही, वहां पे 3 से 4 बच्चे पैदा हुए। फिर एक दिन इरादा किया कि दरिया पे जाना चाहिए, दरिया में आके पानी भर के गोता लगाया, जब लगाया तो ठीक, जब बाहर निकला तो था। गौरी ने फरमा रहे, गौरी ने फरमा रहे मेरे अभी को, जब निकला शहर अपना, कपड़े अपने, खड़ा वहीं पे, पानी वहीं पे, देखा तो कोई मर्द, जल्दी से नमाज में खड़ा उठाया, खड़ा आया, क्या देखा कि बीवी मछली को भी साफ कर रही है। अरे हाय, बीवी अभी मछली को साफ कर रही थी, कहा ये क्या पागल हो तुम, इतना अच्छा गुजर गया, क्या तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, अभी अभी तो मछली लेके गए हो, क्या मछली को छोड़ दे, आप मेरे साथ मोहम्मद के दरबार चले, आप मेरे साथ मोहम्मद के दरबार चले, और नबी के दरबार में आके कहते जी मैं मान गया, कुंडी हिलती रही, बिस्तर गर्म रहा, वुजू का पानी भी चलता रहा, नबी मुस्कुरा के कहते हाँ ठीक कह रहे हो, मान तो तुम गए मगर 4 बच्चे पैदा करने का। छपने की देर से पहले लाशें को शय करे।
फरमाना मेरे अजीज, मेरा कल गुजारिश किया था कि जिंदगी में एक मरतबा मेराज नहीं हुई, मद्दने जाफरिया खैबरिया शिया इसका शरिया सरकार मुस्तफा की जिंदगी में 120 मरतबा मेराज का कायल है। कितनी मेराज है नबी 120 मरतबा सफरे मेराज पे गए। पहली मेराज का रावी है अबू तालिब। थकेंगे नहीं मेरे अजीज, थकेंगे नहीं मेरे अजीज। अब भाई बहस नारे लगा लिया हमने, बहस के मैदान में जाना जा रहा। तफसीर बुरहान ने लिखा, लामा मजलसी ने लिखा, बाकी उलमा ने लिखा कि 120 मरतबा सरकार मेराज पे गए और अल्लाह ने पर्दाए वहदत के करीब बुलाकर सबसे अहम तरीन हुक्म नबी को दिया। वो हुक्म ये था कि आपके बाद विलायत अली के पास रहेगी। खाब हो गई आपने चुप हो जाने की, विलायत अमीर और मोमिनीन के पास रहेगी। सरकार फरमाते जब मैं सफर मेराज करते करते चौथे आसमान पे पहुंचा, और कीजिएगा साथ है मेरे बना बच्चों, जब मैं मुस्तफा मेराज करते करते चौथे आसमान में पहुंचा, आज आपकी सवाल का जवाब आ जाएगा इसी पुस्तक में। बैतुल मामूर के करीब, बैतुल मामूर जो चौथे आसमान पर मलाइका की इबादत गाह है, उस बैतुल मामूर की बिल्कुल सिमत में बना है काबा। कितने प्यार से गुजर रहा हूं कि मैटर वसूल करने की कोशिश करो। बैतुल मामूर की शबी बनाई है अल्लाह ने जमीन पे काबा, आसमानों पे बैतुल मामूर है, बैतुल मामूर के बिल्कुल नीचे काबा है। काबा नकल है बैतुल मामूर की। आज किसी मिर्जा साहब का ये फरमाना कि शिया घोड़े की शबी बनाते हैं, मौलाना मेज पे किताबें सजा के बंदा ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता। हकायक का इदराक करने की कोशिश करो, जिसकी असल बिदात नहीं होगी उसकी नकल भी बिदात नहीं होगी। तो इन्हीं फरमाने में क्या कह रहा हूं, तो फरमाए तो काबा बना है बैतुल मामूर की नकल, शबी है काबा। जिंदगी रही तो कल मुफस्सल जवाब इसका ये मिंबर से दे दूंगा। बैतुल मामूर के करीब सरकार में जब मैं चौथे आसमान पे पहुंचा, खुदा करे के टोला का मजा मेरे साथ सफर कर पाए, कल जब चौथे आसमान पे आए तो मेरी मुलाकात सफे अंबिया से हुई। आदम से लेकर ईसा तक नबी मेरे इस्तकबाल के लिए सब दस्ता खड़े थे। अब्दुल्ला हुजूर बहुत प्यारे भाई हैं जो कसूर फरमा सके, जिनके सर से गुजर जाए मैं कर कुछ नहीं सकूंगा। सारे नबी सब बस्ता खड़े थे। सरकार वाले मेरी मुलाकात बाप आदम से भी हुई, दादा इब्राहिम से भी हुई, भाई मूसा ईसा से भी हुई। प्रोफेसर साहब के नबी सारे मक्के से मोहम्मद के साथ गए थे। आपकी खामोशी के कुर्बान हो जाओ कि सारे नबी मुस्तफा के साथ मक्के से गए थे? नहीं ना, ये तो सारे अपनी अपनी जिंदगी गुजार के जा चुके। अगर नबी मरने के बाद मद्दी में मद्दी हो जाता है, कमाल हो गई है। अगर नबी मरने के बाद माजल्ला मिट्टी में मिट्टी हो जाता है तो फिर ये 123,999 नबी बैतुल मामूर के करीब मुस्तफा से मुलाकात कैसे कर रहे थे? अगर अल्लाह उम्मती नबी को मरने नहीं देता, तो फिर जो कायनात का सिरे तो सरदार है, जिसके सदके में कायनात की नब्जें चल रही है, वो नबी मरने के बाद मट्टी में मट्टी कैसे हो सकता? रशीद भाई जुमले तारीख में ये है, बैतुल मामूर के करीब सरकार मदर की मुलाकात हो रही थी जब जिब्रील अमीन ने अजान दी। थक गया मरीजों, जिब्रील अमीन ने
بلکہ معراج پہ بیت المعمور کے قریب جبریل نے آذان میں علی بن اللہ کہا کہ آذان ختم ہونے کے بعد اب میں سوچ رہا تھا کہ ان میں موسیٰ بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، ابراہیم بھی ہے، آدم بھی ہے، نوح بھی نماز کو پڑھائے گا، کہ ابھی میں سوچ رہا تھا کہ جبریل نے میرا ہاتھ تھاما اور میں تقدم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آگے بڑھئے، ساتھ ہے میرے عمل ادھر والا محلہ جو بیٹھا ہے، یا نبی اللہ آگے بڑھئے نماز پڑھا کے، یا نبی اللہ آگے بڑھئے نماز پڑھا کے، میں نے کہا کہ میں تقدم ابراہیم بھی ہے، بھائی موسیٰ عیسیٰ بھی ہے، کس کا نام، کسی نبی میں جرات نہیں ہے کہ آپ کے آگے کھڑا ہو کے آپ کو نماز پڑھا سکے، جس جس کا جو عقیدہ اسے سلامت رہے، اور بابا جس محمد کو کوئی نبی نماز نہیں پڑھا سکتا اسے کوئی امتی نماز کیسے پڑھا سکتا، اللہ اکبر۔
सज्दे पर और जिसे हो गया हुसैन के सज्दे गायब पर खुदा के फर्श आसमान मिला सज्दे पर सलामत रहे आबाद रहे। नबी फरमाते जब मैं अंबिया को नमाज पढ़ा चुका अब अल्लाह की जान से वही आई वसअल मन अरसलना मिन कब्लका मिन रुसुलना मेरा मोहम्मद इन नबियों पे सवाल कर तुझसे पहले हमने इन्हें नबी क्यों बनाया। वो अमर जो पर्दे वहदत के करीब
सरकार जिंदगी का आखिरी हज करने के लिए जब मदीना से चले तो पैगंबर ने पूरी सल्तनत इस्लामी में ऐलान करवाया कि हम हज करने के लिए बैतुल्ला जाएंगे। जो जो ये चाहता है कि मुझ मोहम्मद के साथ वो हज अदा करें वो आए और काफिले की शिकत बने। तारीख है तारीख, मैं इससे कोई वो मुबालिका नहीं करूंगा, कोई जुटेबाजी नहीं होगी। इस तारीख को इसी तरह से आपने हिफ्ज करना। सरकार मदीने से चले, 70,000 बंदा मदीने के नबी के लश्कर में शामिल हुआ। ये पॉइंट नोट करते जाइएगा, 70,000 बंदा हज पर निकला, मुझे देखेंगे जरा। 70,000 से 80,000 अफराद मदीने से पैगंबर के साथ हज के लिए निकले। 10,000 से 12,000 अफराद मक्के से काफले में शामिल हुए। 10,000 से 12,000 अफराद यमन से अली लेके आए। देखो ना, मैं इससे ज्यादा तो आसान नहीं कर सकूंगा ना। अली चूंकि यमन थे, यमन में मौला ने पैगाम भेजा, रसूल खुदा ने अपना कासिद भेजा अली से, कहिए कि यमन से मदीने नहीं जाना बल्कि यमन से सीधा मक्का। हम मुंतजर हैं कि अली हमारे साथ हज करे। हम मुंतजर हैं कि अली हमारे साथ हज करे। अली जाने के नाम भी कासिद मिला। अली मौला ने रुख फेरा मदीने की जानब, रुख मक्के की तरफ किया। वहां पर कुछ लोगों के साथ खिराज पर गनीमत के मामले में अली से निजा हुआ। कुछ लोगों ने मुतालबा ज्यादा किया, अली ने फरमाया नहीं, ऐसा नहीं है, जो है वो दे दिया, बाकी जो है कि रसूल अल्लाह का है, रसूल तुम्हें सारा दे दे उसकी मर्जी, कुछ ना दे उसकी मर्जी। उसमें से किसी दो चार ने कहा कि हम आपसे पहले मक्का जाएंगे और आपकी शिकायत करेंगे रसूल अल्लाह से कि अली ने अदालत नहीं की, अली ने अदल नहीं किया। अली फरमाते मैं मुतमईन हूं, मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। चाहिए वो अली से पहले साथ है मक्का मेरे, अली से पहले मक्का पहुंचे। मक्का आके रसूल करामी कद्र की बारगाह में आए और बारगाह रिसालत में आके बोलता है या रसूल अल्लाह, अली ने आदल नहीं किया। जब तक अली ने आदल नहीं किया पैगंबर ने शुरू से गुजर गई, मैं तो नतीजे ही देखे उठाई नहीं पे। सरकार ने बात सुनी, जब उसे शिकायत की कि अली ने इंसाफ नहीं किया, अदल नहीं किया, रुक फेर दिया। उधर गुजारिश किया कि अली ने अदल नहीं किया, रसूल खुदा ने रुख फेर दिया। जब दूसरी तीसरी मरतबा जुमला लीजिएगा तो मालो, दूसरी तीसरी मरतबा जब तकरार हुआ तो नबी पाक फरमाते हैं, लोगों ये कैसा अजीब बंदा है, ये मोहम्मद से मोहम्मद की शिकायत कर रहा है। नबी इंतजार में थे, मिले, सीने लगा, आ गए आपकी, आपका हुक्म था, मगर या रसूल अल्लाह हज के लिए तो कुर्बानी चाहिए। तो जो उसको कहते हाजी अपनी अपनी कुर्बानियां लेके जाते थे, अभी तो वहां से खरीद लेते। उस वक्त अपने घर से कहा कि मौला मेरे पास कुर्बानी नहीं है, आपका हुक्म था मैं आगे, तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं। मैं जब मदीने से चला तो मैं 150 कुर्बानियां लेके आया हूं। हाय हाय, ये नाते लिखने वाले अगर अपने शौर को बुलंद करें, सलाम उस पर जिसके घर में टूटी हुई प्याली थी। ये तारीफ नबी नहीं है, तौहीन नबी है। 150 कुर्बानी के जानवर नबी फरमाते में लेके आए, या अली 50 तुम जिबा करो, 100 मैं जिबा करूंगा, ताकि पता के चले कि जिसके दम से सारी उम्मत खाती है। और फरमाने मेरे अली जो हज की
हमें इजाजत है, आज खत्म हो गया, हम भड़क हो जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं, तारीख और खालिस तारीख दे रहा हूं। सरकार ने कहा नहीं, सब के सब मेरे साथ उस चौराहे तक आओ जहां से रास्ता एक यमन को जाता है, एक मदीने को जाता है, एक मक्के को जाता है। जब तक मैं वहां ना पहुंचू तब तक कोई बंदा अपने घर नहीं जाएगा। खुदा करे मेरी बात पहुंचिया जी को। सरकार काफिले को लेके 13 या 14 दिन को निकले, मक्का से निकलकर मक्का में जोफा पर सरकार पहुंचे थे। जब मक्का में जोफा पे आकर पड़ाव डाला, मक्का में जोफा से चलने लगे तो जिब्रील आ गया। अल्लाह फरमा रहा है पहुंचाइए वो आग जिसकी खातिर आपको मेराज पे बुलाया गया था। नबी मक्का में जोफा से पढ़कर मंजर खदीर तक आए। थकेंगे नहीं हुजूर, मकाम कदीर पे आने के बाद। कदीर क्या? कदीर कहते हैं अरबी में एक जोहड़ जब पानी जमा होता है, ठीक है, शेपी जगह था जब पानी जमा हो। खुम क्या है? कदीर और खुम में यानी खुम का तालाब, ये कदीर है पहाड़ों के दरमियान नशेबी इलाका। जब पानी नहीं था, जब बारिशें होगी पहाड़ों से पानी आता यहां जमा हो जाओ। वहां पर एक चरवाहा रहता था जिसका नाम है खुम, ये अपनी बकरियों को पानी पिलाने वहां आता था, जिसकी निस्बत इस तालाब का नाम पड़ा खदीर और खुम। ट्वेंटी ट्वेंटी दोनों तो फिर बहुत दाद देंगे भाई, मैं तो तहकीक देके जा रहा हूं। विलायत में गुफ्तगू ऐसे करनी चाहिए ताकि हिस्ट्री बच्चों को पता हो कि खदीर है क्या। यहां पर जब नबी आए तो सवाल आफ्ताब हो चुका था, नमाज जोहर का वक्त था, सरकार ने काफले को रोक दिया, सभी रुको, अस्सलाम तो जामिया नमाज बाजमात होगी, बिलाल आदान दो, बिलाल आदान दो, बताखरी जुमले गुफ्तगू रोकू बगे, बिलाल आदान दो। तारीख में जुमले बिलाल ने पूरी आदान नहीं दी, चारों सिमतों में देखा और देख कहते हैया अला खैर अल अमल, हैया अला खैर अल अमल, आओ खैर अमल की तरफ। सबने कान उठाए, अभी हज किया, अभी खुतबा सुना, अभी अहकाम सुने, कौन सा खैर अमल है? नमाज सुनी। नमाज के बाद सरकार ने फरमाया कि सारी जगह को साफ करो, ये सारा मैदान इसे कांटों से साफ करो। चूंकि नबी चाहते थे कि अली की विलायत के रास्ते में हर आने वाला कांटा साफ कर दिया जाए, और फरमाने कांटे साफ हुए, अब सरों में बाल नहीं है, पांव में जूतियां नहीं है, गर्मी शिद्दत की है। क्या कर सकता हूं, गर्मी शिद्दत की है, और खुदा की कसम जो अरब में रहे हैं उन्हें पता है कितनी गर्मी होती, अरब में कितनी गर्मी होती आज के मौसम में, हाजी साहब से पूछिएगा कितनी गर्मी, और इतनी गर्मी थी खदीर में, इतनी गर्मी थी कि उस गर्मी के असर की वजह से आज तक लोगों के कलेजे चल रहे हैं। आपकी हैरानी और बढ़ाना चाहूंगा,
मिंबर लागे या मदीने में है या मक्के में। अच्छा अगर नबी पाक को ये पता था यहाँ पे ऐलान करना है तो सरकार मक्के से मिंबर क्यों नहीं ला दी, मदीने से मिंबर क्यों नहीं ला दी? चलो नहीं लाए तो सहाबा से कहने की क्या जरूरत? ये सुलेमान का भी नबी है, अगर उसका वसीम पलक झपकने की देर से पहले मुल्क सभा से तख्ते बिल्कीस ला सकता है तो ये नबी मक्के से मिंबर नहीं ला सकता। फरमाते मिंबर का जी मिंबर तो नहीं है, कहा चलो फिर ऐसा करो कि सवालों से पालान उतार लो, ये फला फला के पालान उतारो मिंबर बनाओ, मिंबर बना पालान के मिंबर पे मुस्तफा पहुंचे। और रहेगा जी लोग पालान के मिंबर पे रसूलुल्लाह सामने सवा लाख सहाबा 24,000 सहाबा की तादाद है गदीर में, ये सामने खुतबा पैगंबर को सुन रहे हैं। चिलचिलाती हुकूम है, सर्दी नहीं है, नबी इतना नाजुक है, रात की ठंडक में नमाज पढ़ता है तो अल्लाह कहते हैं कम कर, कम करते थक गया है पांव सूज गए मेरा मोहम्मद नमाज कम कर दे। दोपहर का वक्त है, 3 से 3.5 घंटे का खुतबा है, 3 से 3.5 घंटे का खुतबा गर्मी के मौसम में। अल्लाह नहीं कह रहा कम कर, अल्लाह कहता बढ़ा और बढ़ा। जरा इन्हें सुना के अली ये है, अली ये है, अली ये है, और सुनने के तहकीक जो सुनने जा रहे हैं क्योंकि आप कोई मुबालिगा नहीं कर रहा हूं, नारे लगाए ना लगाए आपकी मर्जी है। लाल भाई नबी पाक ने 110 जुमले अल्लाह की तौहीद पे बोले, सरकार की किताबों का मुजाहरा लग जाते लगती कैसे रब के नहीं पढ़ रहा। 110 जुमले अल्लाह के रसूल ने मकाम अजमत इलाही पे कहे। अब जिसे 110 समझ नहीं आया था वो कल से मजलिस में ना आए। 110 मरतबा नबी पाक ने जात हक सुभान व तआला का जिक्र किया, 50 से 55 मरतबा अल्लाह के नबी ने अली की फजीलतें बयान की। बैठे हो गए चले गए 50 से 55 मरतबा अल्लाह के रसूल ने लोगों के सामने अली के फजल बयान किए। 4 मरतबा खुतबा कदीर में नबी पाक ने इमाम महदी का जिक्र किया। मैं तो बेटा तहकीक ही दे सकता हूं ना, आपकी मर्जी ले जाना नहीं आता मुकद्दर। 4 मरतबा अल्लाह के रसूल ने हुज्जत दौरा का तज़किरा खुतबा कदीर ने किया। उसके बाद कुछ जुमले रसूलुल्लाह ने अली मौला के 11 बेटों की इस्मत पे कहे, यानी गोया खदीर में रसूल खुदा ने तौहीद से लेकर विलायत का पूरा निजाम उम्मत के हवाले किया।
एक जुमला है ये फहादा अलीकुम मौला, एक जुमला है ये। इस जुमले को समझने के लिए पहले मन कुन तो मौला हो को समझो। यहां नबी क्या कह रहे, जिसका मैं मौला हूं, जो माना मौला का नबी के लिए करोगे वही माना तुम्हें अली के लिए करना पड़ेगा। क्योंकि नबी ने कहा मन कुन तो मौला हो, जिसका मैं मौला हूं। अब ये आपके ज़ौक सलीम पर है कि आप नबी को यार समझते हैं या नबी को आका समझते हैं। मालूम है बाबा आपके चुप कर जाने की हद हो गई है। ये आपकी जहलियत पे है कि आप सारी जिंदगी नबी को यार समझते रहे या नबी को आका समझते रहे, नबी को दोस्त समझते रहे या नबी को मौला समझते रहे, नबी को अपना हबीब समझते रहे या नबी को नबी समझते रहे। अगर तो आप नबी को मौला बमाने दोस्त लेते रहे तो ये आपके दोस्त पे रहे। हमने नबी को आका माना है, लिहाजा हम नबी के बाद अली को आका। अल्लाह अकबर। ये है फरक तफंसम। मेरा मोहम्मद जब रिसालत पहुंच गए, शजरे दीन तैयार हो गया, फन सब तो बस दीन के मुहाफिज को नसब कर ताकि ये रोज रोज का झंझट ही खत्म हो जाए, किसी को जरूरत ना हो कि दीन पे हमला आवर हो सके। अब समझ आया कि क्यों अल्लाह के हुक्म से अली की विलायत का ऐलान हुआ। नबी है दीन पहुंचाने वाले, अली है दीन बचाने वाला। पर फिर अली ने कैसे दीन बचाया? इस तरह से अली ने दीन बचाया कि अली की बेटियों की गोदें उजड़ गईं। जिंदगी ने वफा की। कल सिलसिले कलाम नतीजे तक आ जाएगा, बाकी रही गुफ्तगू कल इंशाल्लाह यहां से शुरू हो सके। कैसे बचाया अली ने दीन? कि दीन बच गया मगर अली की बेटियों की नस्लें खत्म हो गई। आज आप मुहर्रम है, रोने वालों का सादात, सादात पर दूसरा दिन है पानी बंद हो गया है। जिसकी मां का हक्कुल महर पानी है, उसी हुसैन के बच्चे दरिया के किनारे अल अतश हाय प्यास। आज की मसाए मंसूब है करबला के उस कम से शहीद के साथ कि जिसे यह भी पता नहीं था तीर खा के मुस्कुराना है या रोना है। बतौर एक से ज्यादा होने के हाथ बांध रहा हूं, अगर आवाज माओ बहनों तक जा रही है, जब तक मैं अली असगर के मसाइब पढ़ रहा हूं, किसी मां बेटी की आगोश में छोटा बच्चा है तो उसे जमीन पे लेटा दे। जब तक मैं रुमाल की असगर की शहादत पढ़ूं, कोई मां अपने बच्चे को प्यार ना करे, कोई मां अपने बच्चे को दूध ना पिलाए, खुदा जाने गरीब की मां औरतों में आई होगी, कोई मां अपने बच्चे को प्यार करे रुबाब का दिल दुखे। और बीबी रो के गई, अली असगर हर मां अपने बच्चे को प्यार कर रही है। हाय होने वालों अजादारो, करबला में जब तनहा रह गया ना, एक मरतबा हुसैन ने इस जगह से मदद किया, हल मिलना से नहीं अक्सर ना हो, कोई है जो गरीब की मदद करे, हल मिन मोहई से नहीं ओहरी सुना, कोई है जो अल्लाह राशि पर रहम करे, हल मिन
अज़ा बिन यज़ूब अन हर मेरा सुनिश्ना, कोई है जो मेरी ज़ैनब का पर्दा बचाए। अभी भी पढ़ूंगा तो क्रिया करोगे, ये जुमले सुनने थे, ये खेमे से बीबियों के रोने की आवाज बुलंद हुई। इमाम जल्दी से खेमे की तरफ आए कि शायद शादाब का कोई बच्चा प्यास से मर गया है। खेमे में आना था, क्या देखा ज़ैनब आलिया अपने हाथों में अली असगर को लेकर खड़ी है, जो बे औलादों का गोदे फैला लेना, ये करबला के सबसे छोटे बाबर हवाइज का तस्करा है। रशीद भाई जुमला कयामत का जो कहने जा रहा हूं, इसके बाद शागे जुमले पहने ना पड़े। ये करबला में सबसे छोटा है और सबसे ज्यादा प्यासा है। एक छह माह के बच्चे की प्यास बुझाने के लिए पानी कितना चाहिए, बाप इस कैफियत को नहीं जानते, माओं को पता है। जब बच्चा प्यासा होता है ना तो बच्चा एड़ियां रगड़ता, खुद जुबान अपने लबों में फेंकता, माँ को पता चलता है, थोड़ा सा पानी लेती है, ये दो उंगलियां पानी में डबो के बच्चे के लबों में लगाती है, बच्चा सैराब हो जाता। रोने वालों, करबला में अली की बेटियां इतनी उजड़ गई थी कि इतना पानी नहीं था कि असगर के लबों को पर किया जाता। बच्चा बार बार कूद खोलता है, बार बार बंद करता है। बीबी बच्चे को लेकर खड़ी थी, इमाम आज खैरियत है, सैयदा फरमाती हुसैन हुसैन जब से तूने मदद का इस्तेगासा दिया है ना, अली असगर के हवाले में आराम नहीं कर रहा, कभी दाएं गिर जाता है, कभी बाएं गिर जाता। हुसैन तर इसकी हालत देखू ना, आज तीन दिन हो गए इसकी माँ का दूध खुश हो गया है। कोशिश कर अगर पानी का एक कटरा मिल जाए। इमाम ने असगर को लिया, सैयदा रुबाब सामने आके कहती मौला रोकती नहीं, आपकी अमानत ले जाइए, लेकिन एक लहजे के लिए जरा बच्चा मुझे दीजिए। छोटी औलाद वालों, इमाम ने बेटा मां को दिया, सिकंदर लेके खैमे में आए। खैमे में आके असगर का लिबास तब्दील किया, छोटा सा सफेद लिबास असगर को पहनाया, कमर बंद बांधा, उसके बाद कान पे मुंह रखा। हाय औलाद वालों, रो के बीबी कहती अली असगर तू जानते ना मैं शगिरजादी नहीं हूं, अली असगर तेरा बाबा तुझे मैदान लेके जा रहा है, मेरे बच्चे मैदान में जाके मुझे शर्मिंदा न कराना। हाय रोने वालों, अदादारों, खुदा जाने बच्चे ने माँ से क्या कहा। बीबी बच्चे को तैयार करके मौला हुसैन के सामने आई, जिन्होंने मातम करना वो देखेंगे मुझे जरा ले मौला आपकी अमानत हाजिर है। इमाम ने बच्चे को यूं उठा के चले, बीबी फरमाती मौला ऐसे नहीं, बच्चे को यूं कांधे से लगाइए, आपका रुख हो मैदान की तरफ, अली असगर का रुख हो मेरी तरफ, जब तक आप मैदान नहीं जाते तब तक मैं पलट पलट के असगर का चेहरा देखती रहूं। हाय हुसैन, रोने वालों, अदादारों, इमाम बच्चे को लेकर मैदान आए, फौज की अशिया को देखे कहते तुम्हारी निगाह में अगर जुर्म किया है तो मैंने किया है, इस बच्चे का क्या कसूर है, एक घूंट पानी का मिल जाए। ये जालिम कहते हुसैन तूने पानी खुद पीना, बहाना बच्चे का कर रहे हो। इमाम ने असगर को गर्म रेत पे लिटाया, लिटा के कहते तू हुज्जत खुदा का लाल है, बाबा की गवाही दे। बच्चे ने अपनी खुश जुबान लबों पे फेरनी शुरू की, जैसे जुबान फेरी फौज अशिया ने रुख फेरा, सिपाही रोने लगे। उमर साद हुरमिला के करीब आया, खुदा इस पे लानत करे, इकता कलाम हुसैन, हुसैन की कलाम को कता कर, माफ करना तेरे दुखे को। इस जालिम ने कमान में तीन नोकों वाला तीर रखा, तीर मारने का इरादा किया तीर गिरा, फिर मारने का इरादा किया फिर गिरा। उमर साद देखकर कहता क्या हो गया, ये तो बच्चा है, कब तीर मारता हूं सामने खैमे में, अल्लाह जाने इसकी मां खड़ी है। जब तीर चलाने का इरादा करते वो देखे कहते हो जालिम अपना तीर भी देख, मेरा शरीर भी देख। रोने वालों, अदादारों, ये कहता तू तीर मार, माँ है या बहन। हाय रोने वाले, इस बेगैरत ने तीर का निशाना लिया, सिद्दा रुबाब ने खैमे से देखा कि ये तीर तो हुसैन को लगेगा। बीबी ने बड़ी सेवा की, अली असगर अगर तीर तेरे बाबा को लग गया, पत्थर दिलों की जमानत तो मेरे पास नहीं है, अली असगर अगर तीर तेरे बाबा को लग गया,
पानी प्यासी हूँ। बाबा इसे पानी पिलाया मगर मुझे पानी नहीं पिलाया। जब मैं तुम्हारे हिस्से का जुमला कह रहा हूँ, इमाम बोले नहीं, अस्कर के लाश से हवा उतार के सकीना के सामने लाश किया। बच्ची रोक देती, बाबा इतने बच्चे भी सिवा किए जाते। हाय रोने वालों, ये करबला का वाह है शहीद है जिसे इमाम ने खैमे के पीछे जुल्मकार से तलवार बना कब्र बना के दफन किया। दफन कर दिया, सामने गरीबा घोड़े दौड़ गए, निशाने कब्र मिल गया। जब सामने गरीबा सर गिने गए, उमर साहब कहते मारे 72 थे, सर 71 क्यों है? शिमर ने ताजगाना उठाया, अब पत्थर दिलों का बेजाम नहीं हो जिनके दिल में कब्रे हुसैन है। ये ताजगाना उठा के लाल में जरा रुमा भी जाने पड़ा। एक शामी कहता जुलम ना कर, बच्चे का लाशा माँ के पास नहीं है। मैंने देखा था हुसैन ने वो लाशा खैमे के पीछे दफन कर दिया। कहता मिलेगा कैसे? का मिलेगा तो नहीं, कब्र मिट गई, घोड़े दौड़ गए। एक मशवरा देता हूं, नेजा पर्दा जुलूस मंगाओ, उनके जमीन में नेजे मारो, जहां हुसैन का असर होगा नेजे पे आ जाएगा। रोने वालों, 40 घुड़सवार नेजे लेके आए, अब खैमों के पीछे नेजे जमीन पे लगने लगे, जिन्हें हाथ मिले मातम करने के लिए। एक जालिम का नेजा लगा, जब नेजा जमीन से वापिस आया का जनाजा।